भाई ने ये कहा छोटे बच्चे बीमार पड़ते, किसी ने कहा जादू टोना कर दिया। देखिए उसको बोलते हैं नजर लगना, छोटे बच्चों को माँ बाप की भी नजर लगती है। माँ बाप क्या करते, ओह लाडला बेटा है वो प्यारा, सोनू मोनू मुन्ना, ज्यादा घूर घूर के बेटे को भी देखने का नहीं, बेटी को सो स्वीट, ज्यादा ऐसा नहीं करने का। ये सही बात बता रहा हूँ। और एक चीज और बोल रहा हूँ, आज से अगर उस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह फायदा। कुछ लोग अपने व्हाट्सएप के उस पर क्या बोलते हैं उसको, डिस्प्ले पिक्चर पर किसकी फोटो लगाए हुए हैं, क्यों लगाए हुए भाई? अगर वो फोटो किसी और के सामने आ जाए तो और उसकी नजर अगर गड़ जाए तो, कभी आपने सोचा? कुछ लोग अपने बारे में लिखते सब कुछ करते, फोटो किसकी चिपकाए हुए हैं, छोटे बच्चे, बेटा जहां पैदा हुआ बेटी जहां पैदा हुआ चिपका दिया, क्यों चिपका रहे भाई? उसका भी नुकसान हो सकता है, किसी की नजर लग सकती है, लेकिन नजर कब लगेगी, जब ऊपर वाला, लेकिन नजर लगना अलईन हक्कुन, सही बुखारी किताब उत्तिब किताब नंबर 73 के, नजर लगना हक है और माँ बाप की भी नजर लगती है। इसलिए जो बच्चा जरा हेल्दी हो, देखने में जरा अच्छा लगे, उसको घर से बाहर मत निकालिए, लेकिन जब निकला भी है तो ये सोचकर भाई ये होगा। छोटे बच्चों के लिए दुआएं पढ़ा कीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे बच्चों के लिए दुआएं पढ़ा करते थे, उनको फूका करते थे, तो फूकना साबित है लेकिन लटकाना साबित नहीं है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लटका दिया, कुल औजु रब्बिल फलक, कुल औजु रब्बिन नास, आयतुल कुर्सी, फिर इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ के फूक फांक दीजिए, हमेशा फूकते रहिए, खुद फूकिए है। और अगर अल्लाह ने तकलीफ लिखी है तो वो चीज होगी, तो नजर लगना हक है, माँ बाप की भी नजर लगती है। अब ये एक अलग चीज है, किसी की नजर लग गई, वाकई उसकी नजर लगती है तो क्या करने का, उस आदमी को बोलने का कि भाई तू अपना हाथ पैर धो, पूरा उसका हाथ पैर का पानी उनी लेने का, कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं, आ कितना अच्छा है कितना ये है, तो फिर वो जो वजू सू बना देगा, हाथ धो लेगा पानी उनी ये करके, तो उस पानी को लेके उसको मारने का, तो जब मारेंगे तो क्या होगा, वो आदमी होश में आ जाएगा और उसकी बीमारी खत्म हो जाएगी। तो छोटे बच्चों के लिए दुआओं का इस्तेमाल कीजिए।